नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। जोधपुर से बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर किए गए व्यापक सुरक्षा इंतजाम। फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर द्वारा मीडिया को किया जा रहा ब्रीफ। जो कि हम पूरा करें और सबको इसके बारे में पता भी चले। अचीवमेंट्स में मैं कहूंगा आपको कि इस साल में 2024 में राजस्थान फ्रंटियर ने करीब 30 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी, जिसकी कीमत लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 137 करोड़ रुपए है, और 4 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े और हथियार भी पकड़े हैं, और इनके अलावा हमने 38 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 31 भारतीय नागरिक हैं, 6 पाकिस्तानी हैं और 1 बांग्लादेशी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विजिट हमारे यहाँ पे हुआ है, माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ यहाँ पे 2 दिवसीय प्रोग्राम के तहत मुख्यालय जैसलमेर उत्तर के और दक्षिण का दौरा किया उन्होंने, और धनोट माता में उन्होंने दर्शन किए, पूजा करी और यहाँ पे जैसलमेर में रात्रि विश्राम किया, और उन्होंने सभी जवानों के साथ में इंटरेक्शन किया काफ़ी बैठ के इंडिपेंडेंटली। उन्होंने और कोई फंक्शन नहीं रखा, ये इम्पोर्टेंट बात है। और जिस टाइम पे आए थे, मतलब 13 जून को पीक गर्मी थी यहाँ पे, गर्मी का बहुत ज़बरदस्त प्रचंड गर्मी थी उस वक्त। तो जब वो आ रहे थे, उस समय मैं दिल्ली में पोस्टेड था, तो उस वक्त भी उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि सर बहुत गर्मी है इस टाइम पे, तो आप थोड़े दिन बाद में करें, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसी गर्मी में जाकर देखना चाहता हूँ कि मेरे जवान कैसे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने और उन्होंने वाकई वक्त दिया उस तरह का, बॉर्डर पे जाकर के सबके साथ इंटरेक्ट किया, सबसे मिले और बहुत क्लोजली उन चीज़ों को देख करके, और वो बड़े खुश हुए कि BSF किस तरीके से ड्यूटी कर रही है। और अंत में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध भारत, सिक्योर्ड बॉर्डर्स, अ डेवलप्ड नेशन। थैंक यू। जय हिंद। एंड वी विल टेक सम क्वेश्चंस। तो देखिए, यहाँ पर राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अभी यहाँ पर सवाल जवाब मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर द्वारा ये ब्रीफ किया जा रहा है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सीमा सुरक्षा बल पर सैनिक तैनात रहते हैं, जवान तैनात रहते हैं, वो भारत को सुरक्षित तो करता ही है और समृद्ध भारत की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। और जब अफसर अधिकारी कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूं अपने जवानों को कि आखिर कैसे इतनी भीषण गर्मी में वो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, और पहुंचते हैं तो खुश भी होते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि अभी भी ये जारी है और प्रश्नोत्तर का अभी वक्त चल रहा है, प्रश्न किए जा रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं महानिरीक्षक। जोधपुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और देखिए लगातार जिसमें जो सबसे पहले नीचे वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद में ऊपर उसके आ जाएगा ये असम, फिर मेघालय, फिर मिजोरम और उसके बाद त्रिपुरा। तो इन सारी स्टेट्स में जो हिंदुस्तान का बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है, इन सभी जगहों पे हालात बेहद सेंसिटिव बने हुए हैं। वहाँ के हालात की वजह से भारत सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार वहाँ पे हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और उसके जो भी पॉसिबल रेपरकशंस वेस्टर्न बॉर्डर पे हो सकते हैं उसके लिए भी BSF पूरी तरह से तैयार है। सर, यस यस प्लीज। दो तीन क्वेश्चन है।
जी रिगार्डिंग जो लास्ट 2 ईयर से तस्करी हो रही है जो गंगानगर सेक्टर में ज़्यादा, तो क्या सर इसमें पाकिस्तानी जो